नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता का पूजन किया जाता है। देवी दुर्गा का ये पांचवा स्वरूप है। यहाँ पर यह जान लेना भी उचित है कि भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र का नाम स्कंद है, जिन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद को माँ पार्वती ने स्वयं प्रशिक्षित किया था। उनके इसी रूप को स्कंद माता कहते हैं। प्राचीन काल में एक तारकासुर नामक राक्षस था, जिनकी मृत्यु केवल शिव पुत्र से ही संभव थी। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप लिया और उन्होंने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के पश्चात भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया था। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ था। भगवान स्कंद बाल रूप में माता स्कंद की गोद में विराजित हैं। माता के इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद मातृ स्वरूपणी देवी के चार भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा को ऊपर उठी है, उसमें कमल पुष्प पकड़ा हुआ है। माँ का वरण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजमान रहती है। इन्हें विद्यादायिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता की साधना का संबंध बुध ग्रह से है। कुंडली में बुध ग्रह का संबंध तीसरे और छठे घर से होता है और छठे भाव का संबंध बीमारी से है। ऐसे में स्कंद माता की साधना से न सिर्फ संतान सुख बल्कि रोग मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। नवरात्रि के पांचवें दिन का शास्त्रों में पुष्प कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त ब्रह क्रियाएं एवं चितवृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर होता रहता है। साधक का मन समस्त लौकिक सांसारिक मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तत्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपने समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयमेव हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिशास्त्री देवी होने के कारण इनका उपासक लौकिक तेज एवं कांति से प्रसन्न हो जाता है एवं लौकिक प्रभामंडल अदृश्य भाव से सदैव उनके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभामंडल प्रतिक्षण उसके योग क्षेम का निर्वहन करता है। हमें एकाग्र से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम दूसरा उपाय नहीं है। स्कंद माता की पूजन विधि। सर्वप्रथम शुद्ध होकर आज के दिन हरे रंग के कपड़े पहने। इसके बाद चौकी पर स्कंद माता की प्रतिमा स्थापित करें। कलश आदि के पूजन के पश्चात स्कंद माता की सौभाग्य सूत्र चंदन रोली हल्दी सिंदूर दुर्वा बिलपत्र आभूषण पुष्पहार सुगंधित द्रव धूप दीप नवेद्य फल पान दक्षिणा आरती प्रदक्षिणा मंत्र पुष्पांजलि आदि करें और वंदना श्लोक पढ़ें। वंदना श्लोक के पश्चात माता को केले का भोग लगाएं और माता स्रोत पाठ करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।